स्मारकों के निर्माण में कोर्ट की रोक के बावजूद मायावती सरकार ने लखनऊ में पुरानी जेल की जगह काशीराम ग्रीन इको गार्डन का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मायावती ने काशीराम प्रेरणा स्थल के ठीक बगल में काशीराम ग्रीन इको पार्क का शिलान्यास किया। करीब 100 एकड़ में बन रहा ये पार्क पुरानी जेल को गिराकर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए जा रहे स्मारकों के निर्माण पर रोक लगा रखी है। मायावती ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपने आदमियों के जरिए स्मारकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करा रही है, और जहां तक भीमराव सामाजिक स्थल के पास चल रहे कार्यों का सवाल है तो वो कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में नहीं आते। गौरतलब है कि शुक्रवार यानी 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। मायावती ने बसपा सरकार के द्वारा बनाए जा रहे स्मारकों का न केवल बचाव किया बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आक्रमण करते हुए ये भी चेतावनी दे डाली कि अगर आने वाले दिनों में उनके इन स्मारकों के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई तो इसके अंजाम ठीक नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय का वो स्वागत करती है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।